इस सेशन में हम एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो एसे टाइप आइटम की दो टाइप्स हमने देखी थी, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस और एक्सटेंडेड रिस्पांस। तो ये एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और फिर इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह देखेंगे। देखिए, एक तो ये कि ये हम इसकी डेफिनेशन को अगर देखें कि इसमें असल में कवर क्या किया जा सकता है, तो देखिए कि इट अलाउज द स्टूडेंट्स टू डिटरमिन द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्पांस। यानी इसमें ये फैसला इस तरह के सवाल में कि ये सवाल का जवाब कितना लंबा होगा और कितना डीप होगा, कितना इसमें डेप्थ इन्वॉल्व है, यानी कितनी डिटेल इन्वॉल्व है, ये बातें दो जो हैं ये इसका खासा है, ये इसकी सिफत है कि ये दो बातें स्टूडेंट को डिसाइड करनी है। ये एक तरह की स्किल है जो इन सवालों के जरिए हम चेक कर सकते हैं। इनके जरिए से ऑब्वियसली, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, हायर ऑर्डर लर्निंग स्किल्स जो हैं वो मेजर की जा सकती हैं, लेसन सिंथेसिस वगैरह और एवेल्यूएशन वगैरह, एनालिसिस की तरह की चीज़ें। लेकिन अमूमी तौर पे इसके ज़रिए से सिंथेसिस और एवेल्यूएशन लेवल की लर्निंग अगर चेक करनी हो बच्चों में, तो उसके लिए आप एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम बनाते हैं। एक्सटेंडेड से मुराद है कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया स्टूडेंट को मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, उस पढ़े हुए की बुनियाद पे उससे बियॉन्ड, उससे बाहर कुछ सोचना पड़ता है ताकि वो ठीक जवाब दे सके। तो ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। मिसाल अगर आप ले लें तो ये गिव एग्जांपल्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये देखिए, ये नॉलेज बेस्ड सवाल है। हो सकता है मैंने पढ़ाया था क्लास में कि गवर्नमेंट की कितनी शक्लें होती हैं। विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज मोस्ट सूटेबल इन द सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर कंट्री। ये जो दूसरा पार्ट है जो विच से शुरू हो रहा है, ये जवाब मैंने पढ़ाया नहीं था। मैंने क्लास में उन्हें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके फवायद, कब वो इस्तेमाल होती हैं, किस किस शक्ल में होती हैं, ये पढ़ा दिया था। अब ये बताना कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए ये फैसला करें कि इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में से कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक होगी, ये जवाब स्टूडेंट ने, अब देखें दो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना, एक वो जो मैंने पढ़ाई और दूसरा उसकी अपने मुल्क के कल्चर और सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो की समझ का होना, इन दोनों बातों को वो मिलाएगा। पहली पढ़ी हुई है, दूसरी मैंने नहीं पढ़ाई, उसकी ऑब्जर्वेशन में है। इनको कनेक्ट करना और जवाब क्रिएट करना है, इसमें जवाब सिलेक्ट नहीं करना, ऑर्गेनाइज नहीं करना, ढूंढना नहीं है, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, खुद से उसको सिलेक्ट करना। लिहाजा हर तालिब इल्म जो इसका जवाब देगा उसका कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे से फर्क हो सकता है। ये जो बात है ये क्रिएटिविटी है, जिसको आप सिंथेसिस और एवेल्यूएशन की कैटेगरी में लेते हैं। सो ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट है। और फिर वही बात जो पहले कही थी कि स्टूडेंट को गाइड करने के लिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ कि आपका जवाब 5000 से 6000 अल्फाज में तक महदूद होना चाहिए। ये अल्फाज की लिमिट बहुत बड़ी लिखी हुई है, आप इसको 1000 से 2000 अल्फाज कह सकते हैं, 2 से 2500 अल्फाज, लेकिन ये लिमिट जो है ये उसे हेल्प आउट करती है कि जवाब कितना लंबा होगा और वो कितना टाइम इस पे अमूमन सर्व करें। इसी तरह ये जो सवाल मैंने आपके सामने अभी मिसाल के तौर पे रखा, ये ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए ये सवाल हो सकता है, ग्रेड यानी 12वीं 13वीं 14वीं के बच्चों के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आपने छोटी क्लासेस के लिए ये सवाल बनाना हो तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मसलन जो स्किल्स हमने पूछी उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या हम जो कॉन्टेंट पूछ रहे हैं उस कॉन्टेंट की नौइयत को आसान कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम स्टूडेंट के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या उसका जो एज लेवल, ग्रेड लेवल है, उसको जहन में रखते हुए सवाल के अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं। लेकिन सवाल के कंपोनेंट्स बुनियादी तौर पे यही रहेंगे। कंपोनेंट्स में पहला था कि हमने जो उसे पढ़ाया उसका रेफरेंस आ जाए, और उस पढ़ाए हुए की रोशनी में उसे कुछ ऐसा काम करने को कहा जाए जो इससे पहले उसने नहीं कर रखा, लेकिन वो अगर इन असूलों को जो हमने पढ़ाए थे समझ गया है तो जवाब दे सकता है। तो ये तब्दीली हम करके, मिसाल के तौर पे अगर लोअर ग्रेड के बच्चों के लिए सवाल बनाना हो तो इस तरह का बन सकता है। व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम अबाउट रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, ये कंटेंट है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था। हाउ डू दीज टीचिंग हेल्प अस टू मेक अ गुड सोसाइटी, ये रिलेटिवली
लेस कॉम्प्लेक्स है इसकी डिमांड एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। क्या हमने सिर्फ उससे ये पूछा कि भाई जो मैंने क्लास में पढ़ाया था वो था कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अब आप ये बताइए कि इन टीचिंग्स का इस्तेमाल करते हुए हमें अगर एक अच्छा मुआशरा बनाना है तो कैसे बनेगा। तो इसके बारे में उनका आर्गूमेंट लेंगे, आगे नीचे लिख दिया कि जो आप जवाब देंगे उस जवाब में मैं तलाश क्या करूंगा नंबर देने के लिए। हमने कहा मार्क्स होंगे कि आप हमें अगर जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे सब जवाब में वो करेक्ट होनी चाहिए और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। ये दो बातें जो रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स हैं बच्चों के लिहाज से, जो पिछले सवाल की डिमांड थी वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। और इसके आगे अगर आप चाहें तो कितना टाइम और कितने वर्ड्स हैं वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं वो तो बड़े ऑब्वियस से हो चुके हैं, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि हायर ऑर्डर लर्निंग, हायर ऑर्डर स्किल्स की असेसमेंट करनी है तो ये सवालात बड़े अहम हैं। आपको सिंथेसिस करने की एबिलिटी देखना चाहते हैं, एवेल्यूएशन की एबिलिटी देखना चाहते हैं, एनालाइज करने की स्किल देखना चाहते हैं बच्चों में, तो आपको एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे टाइप आइटम्स बनाने चाहिए। और इन तीन में से भी हम खसूसी तौर पर सिंथेसाइज करना और एवेल्यूएट करना, ये जो है ये इन सवालों के जरिए चेक कर सकते हैं। इन सवालों के बनाने में कम वक्त लगता है, ये अमूमन किताबों में एक एडवांटेज के तौर पे लिखा होता है। मैं पूरे यकीन से ये नहीं कह सकता कि एडवांटेज है या ये डिसएडवांटेज है। हाँ, बनाने में वक्त कम लगता है लेकिन उससे ज़्यादा फिर मेहनत इसको स्कोर करने में लग जाती है। सो इसका उलट है ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स में कि वो बनाने में वक्त ज़्यादा लगता है लेकिन मार्किंग बड़ी ऑब्जेक्टिव और जल्दी हो जाती है। सो पता है ये एडवांटेज है या नहीं, लेकिन एक पॉइंट है जो आपको ज़हन में रखना है कि इनको बनाना रिलेटिवली कम टाइम में आप टेस्ट बना सकते हैं इन सवालों, अगर ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ख़ास तौर पे राइटिंग, लैंग्वेज राइटिंग, उसको अगर आपने चेक करना हो तो उसका ज़रिया सिर्फ इसी तरह के सवाल होते हैं, यानी या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस भी और ये एक्सटेंडेड रिस्पांस भी। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। साफ ज़ाहिर है जब आपने खुद सोचना और जवाब लिखना है जो दूसरों की सोच से नहीं ड्राइव किया जा सकता और कोई स्पेसिफिक याद किया हुआ आंसर भी इसमें अमूमन नहीं होता, तो इससे जो गेस करने की प्रोबेबिलिटी है वो ख़त्म होती है। इसकी लिमिटेशंस अमूमन जो जिक्र की जाती हैं उसमें यह है कि इसकी स्कोरिंग अनरिलायबल होती है। स्कोरिंग में बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश है। सब्जेक्टिविटी से यहाँ मुराद है कि जो शख्स भी स्कोर कर रहा होगा उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, उसके अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ के बारे में, वो जो है उनका बहुत ज़्यादा दखल होता है स्कोरिंग करते वक्त, और स्कोरिंग करना टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सो इन मसाइल को हल करने के लिए कि स्कोरिंग रिलायबल हो जाए, हम आने वाले सेशंस में उसका तरीक़ाकार देखेंगे, लेकिन ये दो इश्यूज हैं बड़े जिसको आपको जहन में रखना चाहिए जब भी आप टेस्ट में ये आइटम बनाएंगे। दूसरा ये कि मैं ऐसे टाइप आइटम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता एक टेस्ट में, बहुत तादाद में यानी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता। ख़ास तौर पर ये जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं ये एक या दो दिए जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इनमें इन्वॉल्व स्किल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है सीखना। तो लिहाजा इस मुझे मेरे इस लिमिटेशंस की वजह से जब मैं कम सवाल डालता हूँ तो इसका मतलब फिर कंटेंट भी कम कवर किया जा सकता है। इस लिमिटेशन का हल जो है अमूमन लोग ये करते हैं कि एक टेस्ट के अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स ऑफ आइटम दिए जाते हैं, जिन नॉलेज चेक करने के लिए आप कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट ऑफ आइटम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उसको करने में वक्त कम लगेगा जवाब देने में और आप कवरेज ज़्यादा कर सकते हैं कॉन्टेंट की। और मैं अपने जो बहुत अहम और ख़ास नुकात थे उस कोर्स के उनको चेक करने के लिए मैं जो है ये एक्सटेंडेड रिस्पांस ऐसे आइटम्स जो है इनका इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो ये वाली जो लिमिटेशन है इसकी कि आप लिमिटेड सैम्पलिंग कर सकते हैं, यानी मैंने पढ़ाए तो 10 चैप्टर थे, सवाल मुझे एक देना है ऐसे टाइप, तो वो किसी एक जगह से ही आएगा ना। सो ये लिमिटेड सैम्पलिंग से हमारी ये मुराद है कि वो कॉन्टेंट कवरेज के लिहाज से नैरो हो जाता है ये सिलसिला। सो ये लेकिन इसके एडवांटेजेस को जहन में रखते हुए इनका पूछा जाना लर्निंग के हायर जो ऑर्डर लर्निंग है उसके लेवल्स को देखने के लिए बहुत ज़रूरी टाइप ऑफ आइटम है ये।